दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेडीज हाफ पेंट जींस स्टाइल में इनका हम कटिंग बताएंगे। इसका मेजरमेंट है, लेंथ है 13.5 इंच, हिप सीट है 32 इंच, कमर 29, और जो उसको लूज काटेंगे सीट का वो 1 इंच में 1 सूत कम या थोड़ा और टाइट कर देंगे तो 1.25 इंच ये टाइट फिटिंग रहेगा। ये इनका सीधा भाग है, ये उल्टा भाग है। ये सीधी रेखा 1/2 इंच छोड़ के एक और रेखा खींच ली है। इसमें आप कमर पट्टी 1.25 का भी दे सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं 1.5 इंच का ही दे रहा हूँ कमर पट्टी 1.5 इंच, तो यहाँ पर से 1.5 इंच आएगा। अब इनका लंबाई 13.5 है, तो ये 13.5 ये लंबाई जितना लंबाई उतना ही रखिए, और यहाँ से आप 2 इंच 2 इंच इसमें बढ़ा दीजिए, 2 इंच 1.25 भी कर सकते हैं। अब इनका कमर है 29 और इनका हिप है 32। अब इसका हम लटक कैसे निकालें, तो जो लड़कियां जो टाइट फिटिंग हाफ पेंट नुमा पहनती हैं वो नीचे थोड़ा जो उसकी नाभि है उनसे नीचे कमर की जो हड्डी होती है वहीं पर से पेंट अच्छा लगता है। तो हम इनका लटक काटेंगे 32 का 1/3 हुआ 11.5 लगभग, 11.5 दुनी 21.5, और तीन कितना होती गुना में 32, तो ये समथिंग ये 11.5 ठीक है। अब 11.5 है, तो अब लटक कैसे निकालें, ये लगभग ये आपका 1.25 इंच कम, ये 11.5 1/3 आ रहा है, तो उसका इससे हम 1.25 कम करें तो कितना हुआ, ये 9 इंच हो रहा है। अब यहाँ पर आप फिर वही समानांतर ये 9 और ये 13.5, इधर आप 2 इंच और इधर ले लीजिए, 2 इंच दे सकते हैं या आप 1/4 दें। ये 1/4 दे रहे नीचे कमर का। अब जो ये कम राउंडिंग वाली भाग है, यहाँ आप बिल्कुल ये जो टेप स्केल है इसको ये सीधा रखिए, और इधर ये इसको ऊपर से ले लेते, ये 1/2 इंच क्रॉस हो रहा है ऊपर कमर की साइड, 1/2 इंच क्रॉस हो रहा है, इसको आप सीधा लीजिए। ये सीट से जंघा तक की सीधा देना, उसके बाद क्रॉस दीजिए। अब 32 से 1/4 हुआ 8, उसमें आप 1 इंच और जोड़ दीजिए, 1/2 इंच इधर दबेगा 1/2 इंच इधर दबेगा 9 इंच। अब कमर 29 है 29, तो उसमें 1/4 में 1/2 इंच इधर से लाइन दबेगा 1/2 इंच इधर, तो 7/7 1/4 हुआ, उसमें 1 इंच जोड़े 7/8, ये 7/8 इसको मिला दीजिए। यहाँ आप 1/4 इंच दीजिए या 1 इंच 1 फुट दीजिए, 1/4 इंच दे रहे हैं हम, जितना यहाँ दिए हैं उससे हम यहाँ पर
आधा इंच कम देंगे, इसके अपेक्षा आधा इंच यहाँ पर कम देंगे। ये 11 है यहाँ पर, इसको हम पौन इंच कम दे रहे हैं, पौन इंच क्रॉस। अब ये आधा इंच, ये समानांतर रेखा है, जो आधा इंच दूसरा जो मार्कर लगा है उसी में एक गहरा वाली जो आप भाग रखिए, इसको मिला दीजिए। अब इधर दोस्तों आधा इंच, इसको गौर कीजिए, ये जो हम समानांतर रेखा खींचे इससे आप आधा इंच क्रॉस दे दीजिए यहां से, यहां से। अब ये हो गया, सिलाई मुड़ेगा यहां से, ये जो अभी क्रॉस आधा इंच दिया उसी से मुड़ेगा ये। ऊपर रख दीजिए दोस्तों। अब ऐसे करते हैं, ये कितना लिए, 13.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच का कमर बेल्ट लगेगा, कमर पट्टी। अब यहाँ से हम इसको ये जो सीधा समानांतर खींचे हैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, जो बढ़ा के लिए उसकी नहीं, इस समानांतर रेखा से। ये हो गया आपका ओरिजिनल समानांतर पुराना वाला रेखा। अब यहाँ से हम ये पीछे साइड, चूंकि ये नीचे उतार के पहनेगी तो स्वाभाविक है कि नीचे ऊपर ये पीछे साइड एक चढ़ा रहेगा, तो 1 इंच इसको बढ़ा दिए, आधे इंच, यानी कि अगला पल्ला से 1.5 इंच ऊपर हुआ, अगला पल्ला से 1.5 इंच ऊपर। इसको आप जरूर ख्याल कीजिए, इसको उतार के पल सामने उतरेगा, पीछे नहीं उतरेगा, इसीलिए पीछे को हम ज्यों का त्यों दे रहे हैं ये राउंडिंग भाग में। अब चूंकि ये कपड़ा जींस कपड़ा है तो हम इसमें पीछे साइड जो पुराना रेडीमेड में आता है यहां पर सिलाई वाले, तो 1 इंच उसके लिए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये 1 इंच, इससे ये पेंट का लुक और बढ़ जाएगा। अब इसको दोस्तों इधर इधर से हमने बराबर रखा है, ये साइड ये बराबर रखे हैं। ये बराबर रखे हैं, अब इधर छोटा बड़ा है, पीछे साइड बिल्कुल आप सीधा आने दीजिए, बिल्कुल बहुत परफेक्ट है। ये सामने राउंडिंग दिए और सामने जींस में चलता है पॉकेट वो आप दे दीजिए, अच्छा लगेगा। ये 5 इंच दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, और इसको हमने ये 3/4 इंच, इसको 3/4 इंच, और यहाँ पर हम 2.5 इंच, अर्थात 3/4 और 2.5 पौन इंच का अंतर ये दूरी में। बिल्कुल रेडीमेड जैसे लगेगा, और ग्राहक इनको पसंद करना ही करना है, जो लड़कियां है 17-18 साल 19 साल की जो फैशनेबल आजकल चलन में है। और दूसरी बात, जो टेलर लोग पहनते हैं वो सिलाई काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ये आप जरूर इसको आप अपनाइए। ये
मात्र जो लाइन खींचे उससे हमने 5 इंच मात्र। अब ये हमारा मार्जिन रॉन्ग है, मुड़ेगा जो नीचे का पट्टी इसमें मुड़ेगा, जो आधा इंच बढ़ाए उसमें। ये अब इनका कमर है 29, 1/4 हुआ 7/7, आधा इंच दबेगा ये 7.5, आधा इंच इस लाइन दबेगा 7/7 तो आधा 7.5। अब सीट हम नापते हैं, ये सीट यहाँ पर है, इसको 9 दिए, 1 इंच इधर आधे इधर दबेगा, आधा इंच इधर दबेगा तो 8 × 34, 1 इंच बढ़ाए तो 9 हो गया, तो ये 8 इंच पकड़े आधा छोड़ के इधर। अब ये आधा इंच इधर दबेगा, इसको भी आप ये 16 इंच सिलाई छोड़ दें, ये इनका ये परफेक्ट नाप हो गया। अब इसको टाइट फिटिंग बनाना है तो आपकी मर्जी, आप ज़्यादा टाइट पसंद बनाना चाहती तो 1 इंच दीजिए, और थोड़ा लूज बनाना चाहती तो 1/17 बढ़ा के, और लूज है तो 1 इंच बढ़ा सकते, मगर ये 1/4 इंच सफिशियंट बहुत बढ़िया आता है, एक प्रकार से वो टाइट भी है और अच्छा भी है। थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, 1 इंच भी बहुत बढ़िया है। अब इसे सीधा आप ये इतना क्रॉस आ रहा है आने दीजिए, इसको क्रॉस आने से जो ये जो क्रॉस आया है और जो पीछे जो जो चढ़ा के दिए, ये लगभग लगभग ये 19 अंश का ये बन रहा है, तो ऐसे बनना चाहिए तब अच्छा जाग बैठेगा। अब जंघा कितना रखे, आधा इंच इधर से दबेगा, इधर भी आधा इंच दबेगा। अब इसका 1/3 हुआ 11/4, 11/11 का डबल 21.5, ये 21.5 है, तो उसमें हम सारे टाइट फिटिंग हो चुकी है, 21.5 में हम आधा इंच ही बढ़ा रहे हैं 22, तो इसका जंगा जो आएगा 21 इंच तैयार आएगा। 21.5 जो सीट के 1/3 का डबल, 1/3 11/4 उसका डबल हो गया 21.5, तो उसमें हमने आधा इंच बढ़ाया, तो आपका आधा इंच बढ़ाया तो आधा इंच इधर दबेगा 21.5, आधे उधर दबे, यानी 21 इंच जंघा आएगा इनका तैयार। आज जितना ये बढ़ा है अगला पल्ला से ये 2 इंच बढ़ा है, तो 2 इंच यहाँ भी आप मार्कर लगा दीजिए। बिल्कुल मिलाते हुए ये रेखा खींच दीजिए। अगर ये आपको 1 इंच अधिक जितना दबाते हैं, 1/4 इंच दबाते 1/4 इंच दीजिए, 1 इंच में आ जाता है वैसे। लगभग 1 इंच छोड़ के मार्जिन छोड़ के काट रहे हैं। आप बराबर काट दीजिए, ये पॉकेट है, इसमें यहां सराउंडिंग के यहां पर चैन लगेगा और इसे पट्टी लगने के बाद इसमें, और इन जो नीचे का जो मोड़ेंगे इस ये आपका सीधा है, तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं ये सिलाई, इसमें और लुक बढ़ जाएगा, या ऐसे भी दे सकते हैं डिजाइन, ये इसमें भी सिलाई, इसमें भी सिलाई, तो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, कटिंग मेन मूल कटिंग यही है। यहाँ से ऊपर से मात्र इसको 2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा दिए हैं, या ऊपर आप इसके अपेक्षा आधा इंच इधर अधिक 2.5 इंच, और ये यानी कि ये जो एक्स्ट्रा दिए सिलाई के लिए वो उसको यहाँ पर डालेंगे।
आप आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, आप इसका हम सिलाई नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।